देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। बिहार वो जगह है जिसने कभी हार नहीं मानी। जिद करना और जीतना इसकी आदत है। फिर चाहे शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हराने वाली मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती हो, चाणक्य, वीर कुंवर सिंह या पहाड़ का सीना चीरने वाले माउंटेन मैन दशरथ, हार को भी हराकर इन्होंने नया इतिहास रचा। विदुषी उभया भारती, शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच महिषी में शस्त्रार्थ हुआ। शर्त थी कि जो हारेगा वो अगले का शिष्य बनेगा। भारती ने दोनों के गले में माला डाल दी और चली गई। जब लौटी तो देखा कि मंडन मिश्र के गले की माला मुरझा गई है। उन्होंने शस्त्रार्थ रोक दिया और मंडन मिश्र को यह कहते हुए पराजित घोषित कर दिया, जब व्यक्ति तर्क की कसौटी पर कमजोर पड़ता है तो क्रोध करता है। तब भारती ने शंकराचार्य से कहा कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, आपने अभी आधे भाग को ही पराजित किया है, विजय के लिए मुझे हराना होगा। शंकराचार्य ने चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच लंबा तर्क हुआ। अंतिम प्रश्न भारती ने किया, ये प्रश्न गृहस्थ जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ा था। शंकराचार्य को जीवन का व्यवहारिक पक्ष मालूम ही नहीं था। शंकराचार्य निरुत्तर हो गए और भारती जीत गई। आचार्य चाणक्य, चाणक्य को नंद वंश के राजा घनानंद के हाथों एक बार अपमानित होना पड़ा। वो घनानंद की नीतियों का विरोध करते थे। रसायन, ज्योतिष और अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान चाणक्य ने लक्ष्य का संधान किया। चंद्रगुप्त को अपनी इच्छा शक्ति का केंद्र बिंदु बनाया। सेना तैयार की, चंद्रगुप्त के साथ मगध लौटे और गृहयुद्ध छेड़ दिया। अपनी नीतियों और सूझबूझ से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से व्यवहारिक राजनीति में प्रवेश किया। चाणक्य ने कहा कि शत्रु को विनय और बल से पराजित किया जा सकता है। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे इस नीति के आधार पर जवाब दें। साथ ही उस समय शांत रहें, मौन सबसे बड़ा हथियार है। इनकी रचना अर्थशास्त्र दुनिया को दिया गया अनमोल खजाना है। इसमें कूटनीति, युद्ध नीति से संबंधित तमाम व्यवहारिक पक्षों का जिक्र है। वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 80 साल की उम्र में बगावत कर दी। कायम नगर, बीबीगंज, नारायणपुर, दुलौर की लड़ाई में अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। बाद में कंपनी सरकार ने रियासत से बेदखल कर दिया। तब कुंवर सिंह ने ऐलान किया कि जहां कुंवर सिंह वहीं जगदीश। ये ऐसी घोषणा थी कि जिसकी वजह से अंत तक उनकी फौज उनसे बंधी रही। 1857 की क्रांति के विद्रोही सिपाहियों के वो सबसे बड़े नायक थे। फिरंगी फौज को कई बार पराजित किया। जगदीशपुर लौटने के क्रम में गंगा पार करते समय बाह में गोली लगी तो उन्होंने अपनी तलवार से उसे काटकर मां गंगा को अर्पित कर दिया। घायल होने के बाद अधिक खून बह जाने से 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया, लेकिन गोरे सैनिक उनकी लाश तक हासिल नहीं कर पाए। माउंटेन मैन दशरथ मांझी, दशरथ मांझी छोटी उम्र में घर से भागकर धनबाद चले गए थे। कोयला खदानों में काम किया। घर लौटे तो फाल्गुनी देवी से शादी की। गांव से पास के कस्बे तक जाने के लिए गहलोर पहाड़ पार करना पड़ता था। मांझी के लिए एक बार खाना ले जा रही फाल्गुनी पहाड़ी दर्रे से गिर गई और उनका निधन हो गया। पत्नी के जाने के गम में टूटे दशरथ मांझी ने अपनी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार कर ठान लिया कि पहाड़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब वो पहाड़ तोड़ने लगे तो लोगों ने उन्हें पागल समझा। लोगों की टिप्पणियों से उनका उत्साह बढ़ता था और केवल एक हथौड़े और छेनी से 360 फुट लंबे गहलोर पहाड़ी को 25 फुट गहराई में चीर कर 30 फीट चौड़ा रास्ता बना डाला। दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ने में 22 साल लगे। आज दुनिया उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानती है। हार को हराने वाले इन शख्सियतों की कहानी से बिहार की आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होती रही। यही वजह है कि हर बिहारी के रगों में संघर्ष खून बनकर दौड़ता है। रिपोर्ट बिहार तक।